नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपकी स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सिल्वर मछली फार्मिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आप इस मछली को अपना तालाब में फार्मिंग कर सकते हैं, इसको तालाब में छोड़ने का संख्या कितना हो सकता है और इस मछली को फार्मिंग करने से हमें अपना तालाब में कौन कौन से फायदे होते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ साथ इस मछली को फिश फीडिंग के बारे में भी थोड़ा जानकारी आपको दूंगा, जिससे आप इस मछली को बहुत आसानी से फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सिल्वर मछली देखने में काफ़ी सफ़ेद चमकीला कलर में होता है। इस मछली को सिल्वर इसीलिए नाम पड़ा इसका बॉडी का कलर से, ये सिल्वर जैसा देखने के कारण इस मछली को सिल्वर मछली के नाम से जाना जाता है। चांदी जैसा इस मछली का चमक के कारण भी इस मछली को सिल्वर मछली के नाम से जाना जाता है। ये मछली असल में लोकल मछली बिल्कुल नहीं है, ये चाइनीज मछली है। फिलहाल इस मछली को सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में फार्मिंग किया जाता है। वर्तमान समय में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इस तरह का देशों में इस मछली को बहुत ज़्यादा फार्मिंग किया जाता है। वर्तमान समय का फिश फार्मिंग के हिसाब से इसको हिसाब किया जाता है, इसका फार्मिंग बिगेट और सिल्वर मिला के लगभग 60% है। यानी जितना सारा मछली को फार्मिंग किया जाता है इसमें से 60% यानी 60% जो है मछली को बिगेट और सिल्वर मछली को फार्मिंग किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और एशिया में इस मछली के एनवायरमेंट सबसे अच्छा है, जिस कारण ये मछलियाँ इस एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा पनपती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ में भी आती है। इसीलिए किसान भाई इस तरह का सिल्वर मछली को बहुत ज़्यादा फार्मिंग करना पसंद भी करते हैं। बहुत सारे किसान भाई ये भी पूछते हैं, दादा इस सिल्वर मछली को क्या सिंगल फार्मिंग किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ही नहीं है। बहुत सारे मछलियां हैं जो हर तरह का लेयर में खाना खाती है, तो उस तरह का मछली को सिंगल फार्मिंग करना सही रहता है। लेकिन सिल्वर मछली जो है अपर बॉडी में रहती है, जो फाइटोप्लांकटन के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहती है, इसीलिए इस तरह का मछली को सिंगल फार्मिंग करना बिल्कुल ही सही नहीं रहता है। लेकिन आप चाहते हैं इस मछली को सिंगल फार्मिंग करना, तो इसमें फिंगरलिंग बनाने के लिए आप लाखों संख्या में एक ही तालाब में इस मछली को फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मछली को मिक्स कल्चर में सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा साइज़ का मछली को कलेक्ट करना होगा, यानी 4 से 5 इंच साइज़ का मछलियाँ अगर आप अपना तालाब में छोड़ते हैं तो उसमें मोर्टालिटी बहुत ही कम होती है। इससे आपका मछली का संख्या जो है बहुत ठीक रहेगा और आप आगे जाके जितना संख्या में मछलियाँ छोड़ेंगे उतना संख्या में आपको मछलियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें बड़ा साइज़ का मछलियाँ छोड़ने के लिए। इस मछली का ग्रोथ के बारे में बताऊँ तो 1 साल में ये मछलियाँ लगभग 1.5 किलो तक की हो जाती है, 2 साल में 2 से लेकर 2.5 किलो तक की हो जाती है और 3 साल में 3 से लेकर 4 किलो तक की हो जाती है। IMC के साथ इस मछली को फार्मिंग करने के लिए आप 1 एकड़ तालाब में इस मछली को 800 से लेकर 1000 पीस को फार्मिंग कर सकते हैं। इस दौरान आपको ध्यान देना होगा फाइटोप्लांकटन के ऊपर। आप अगर बिगेट, सिल्वर इस तरह का मछली का संख्या ज़्यादा पालन करना चाहते हैं तो उसमें फाइटोप्लांकटन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये आपका पौंड का जो पानी है उसका कलर जो है हरापन रहना चाहिए, नहीं तो इस सिल्वर मछली में ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस चीज़ को हमेशा आपको मेंटेन करते रहना होगा, समय समय में इसको मेंटेन करके आपको पानी का जो गुणवत्ता है उसको ठीक करते रहना होगा। अगर पानी का कलर हरा से फीका पड़ जाए, सफ़ेद हो जाए, उसमें सिल्वर बिगेट इस तरह का मछली में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक चीज़ का ज़रूरत होता है, पॉन्ड प्रिपरेशन। आप जब भी इस मछली को फार्मिंग करें सबसे पहला चीज़ है वो है पॉन्ड प्रिपरेशन। आपको पहले से इस तरह से पॉन्ड को तैयार करना होगा जिससे इस पॉन्ड में फाइटोप्लांकटन का संख्या अधिक मात्रा में बन जाए। इसके बाद आप इस तालाब में आप मछली को स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का पॉन्ड प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है, जैसे कि खाद का ज़रूरत होता है, इसके बाद कुछ गोबर का ज़रूरत होता है, बहुत सारे चीज़ों का मिला के इसको तैयार किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं इस तरह का पॉन्ड किस तरह से तैयार किया जाता है और कितना समय लगता है तो आप मेरा ये वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा जानकारी दे दिया। इस तरह से आप अपना तालाब को तैयार करके फिर उसमें इस मछली को स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर सिल्वर मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सिल्वर मछली फार्मिंग करने से हमें कुछ फायदे भी होते हैं। जो फायदा होता है वो है ब्लूम। बहुत सारे किसान भाई का तालाब में इस तरह का ब्लूम बनता है। ब्लूम असल में है क्या, एकदम पानी हरा हो जाना, पानी के ऊपर हरा टाइप का एक छाला गिर जाना, इस तरह का प्रॉब्लम को ब्लूम बोला जाता है। और ये जब और ज़्यादा बनने लगता है तब तो इस तरह का प्रॉब्लम हमारा पॉन्ड में देखने को मिलता है और हमारा मछलियाँ मरती भी है। दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है नेचुरल फीड ज़्यादा बन जाने की वजह से। नेचुरल फीड ज़्यादा बनने का मतलब है फाइटोप्लांकटन जो है वो ज़्यादा बन जाना। इससे अपना तालाब में इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। इस आपका तालाब में इस तरह का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें आप सिल्वर मछली को स्टॉकिंग कर देते हैं, ज़्यादा संख्या में छोड़ देते हैं तो बहुत ही जल्दी इसे छुटकारा पा सकते हैं। जिस तालाब में इस तरह का सिल्वर मछली बिगेट मछली नहीं है उस तरह का तालाब में इस तरह का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
सिल्वर मछली छोड़ने के साथ साथ अगर आप अपना तालाब में कुछ दिनों के लिए फिश फीडिंग टोटली बंद कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी चल बात करते हैं सिल्वर मछली के फिश फीडिंग के बारे में। बहुत सारे किसान भाई जानते हैं सिल्वर मछली जो है वो किसी तरह का फिश फीड बिल्कुल ही खाती नहीं है, ये पूरी तरीके से निर्भर है फाइटोप्लांकटन के ऊपर। हमारे तालाब में जो फाइटोप्लांकटन रहता है जिसका कलर हरा होने की वजह से पानी का कलर भी हरा दिखता है, यही सिल्वर मछली का मेन फीड होता है, ये हम जानते हैं। इसीलिए इस मछली के लिए किसी तरह का फिश फीडिंग का इंतजाम करते ही नहीं है। हम जानते हैं पूरी तरीके से जो है सिल्वर मछली ये फाइटोप्लांकटन के ऊपर निर्भर रहेगी, इसीलिए दूसरा फिश फीड देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोस्तों सिल्वर मछली के मुँह के अंदर एक तरह का फिल्टर रहता है, जैसे हम प्यूरीफायर में रहता है इसको फिल्टर करने का, इसका मुँह के अंदर एक तरह का फिल्टर रहता है जिसमें बड़ा बड़ा दाना जो है वो फंस जाता है और छोटी छोटी कण जो है वो इस फिल्टर के अंदर से होके उसका पेट के अंदर चली जाती है, जिससे ये मछलियाँ भोजन बनाती है। इसीलिए इस मछली का ये फिल्टर के वजह से दूसरी तरह का फिश फीड खा नहीं पाती है और इसको फाइटोप्लांकटन के ऊपर ही अपना ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली चीज़ है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस मछली को ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ में ला सकते हैं। इस चीज़ को मैंने हमेशा किया हूँ, दिखाया भी हूँ, आप शायद समझ ही नहीं होंगे तो मैं इसको समझा देता हूँ। लिक्विड फिश फीड, बहुत सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाया लिक्विड फीडिंग के ऊपर। इसका जो देने का कारण है वो मैं आज इस वीडियो में दिखा दिया हूँ। इसमें क्या होता है, आप लिक्विड जैसा पानी जैसा पतला करके किसी तरह का फिश फीड अपना तालाब में छिड़काव करते हैं, इसमें जो छोटा छोटा कण बनेगा वो फाइटोप्लांकटन के साथ भी ये बिगट मछलियाँ खा सकती है। इसको जब इसका मुंह में जाएगा इसको फिल्टर के अंदर से ये छोटा छोटा पतला वाला कण जो है फीड जो है वो इसका पेट के अंदर जाएगा और ये खा पाएगी बहुत आसानी से। और यही सीक्रेट है सिल्वर जैसा मछली को ग्रोथ में लाने के लिए। आप अगर इस तरह का फिश फीड बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, ये थंबनेल में दिखा देता हूँ, 2-3 वीडियो है आप देख लीजिए, ये रहा वो थंबनेल। इस तरह का फिश फीड बनाने का तरीका इस वीडियो का द्वारा आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी तरह का फिश फीडिंग के वजह से मेरा मछली में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आता है, जैसे कि हर एक वीडियो में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी साइज़ का मछलियाँ। आप अगर सिल्वर जैसे मछली को फार्मिंग करना चाहते हैं तो इस तकनीक को हमेशा इस्तेमाल करें और आप इसका रिजल्ट जो है आपको आपके आँखों के सामने आ जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे ये कितना इफेक्टिव है। तो दोस्तों इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देता रहता हूँ इस चैनल के में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, ये फिशिंग परिवार जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है और मैं चाहता हूँ आपका भी इस सहयोग इस चैनल के साथ हो, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।